हेलो फ्रेंड्स, आज स्वागत है आप सभी का मेरे इस PUBG मोबाइल के नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, वो किसी और का टॉपिक है। जो रोस्टर्स है वो उनका टॉपिक है। आज हम रोस्ट नहीं करते, हम PUBG की टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। आपको पता चल गया होगा कि वो मेरी आवाज़ थी, मैंने पतली करके बनाई थी क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है दूसरों को पैसे देने के लिए। मेरे दोस्त भी मेरी मदद नहीं करते, सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए। और मेरे दोस्तों के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए ताकि मैं ये रोना बंद कर दूँ। वैसे मैं झूठ बूट का रो रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत रोने को आता है जब मेरे को आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे। एक मिनट के बाद हमारी इसमें चली गई, अभी मैं आगे सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगा। फ्रेंड्स इन बातों में तो मैं अपना टॉपिक ही भूल गया। आज हमारा टॉपिक है कि पबजी मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा किल कैसे ली जाए। पहले आपको क्या करना है कि आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है अगर आपको ज़्यादा किल्स चाहिए। पहले आप अपने मन से पूछिए, अगर आप स्क्वाड में खेलते हैं और आप छुप छुप के खेलते हैं, आपको सिर्फ 2-3 किल मिलते हैं, क्या आप और आप उससे चिकन डिनर जीतते हैं, क्या आपको उससे मज़ा आता है? नहीं ना, नहीं आता ना मज़ा। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप हमेशा, अगर आपको ज़्यादा किल्स चाहिए हमेशा, तो आप बस क्या कीजिए कि सोलो से स्क्वाड खेलिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप क्लिप तो थोड़ी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने स्क्वाड किया था और स्क्वाड कर रखा है और मैंने ऑटोमेटिक बंद कर रखी है। तो इससे होता क्या है कि जो भी मेरे सामने सब आते हैं, जितने भी प्लेयर आते हैं, वो सब स्क्वाड में होते हैं और मैं अकेला होता हूँ। इससे हमेशा आपको पता होगा कि जब आप स्क्वाड में खेलते तो आपके किल्स, बहुत सारे किल्स आपकी स्क्वाड ही ले जाती है। जैसे आपको गाड़ी से कोई बंदा दिखा, आप उतरे, उतते में आपकी हेल्थ चली जाती है, फिर आप उसको मारने लगे, फिर उसमें आपके दोस्त आपका किल ले जाते, फिर आप गुस्सा करते, फिर आप उनको गालियाँ निकालते, फिर ये सब होता रहता है, आपके टीम में ही झगड़े हो जाते हैं। तो मैं झगड़ों के ऊपर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन किल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको हमेशा किल बस ऐसे ही लेनी है, आपको बस सोलो बस स्क्वाड में खेलना है और आप अपने फ्रेंड्स को चिढ़ा सकते हैं कि देख मैंने इस मैच में चिकन डिनर लाया, देख मैंने इस मैच में इतने किल किए, तूने क्या किया, हाई तूने क्या किया बता। और आप प्रो बन सकते हैं इसी से। अगर आपको नहीं जम रहा है पहले भी जब मैं सोलो बस स्क्वाड खेलूंगा, जब मैंने पहली बार सोलो बस स्क्वाड खेला था तब मुझे भी नहीं जमा था, लेकिन जब अगर आपको नहीं जम रहा तो आप आर्केड में सोलो बस स्क्वाड खेलिए। आर्केड में आप मिनी जोन खेलिए। आप सोच रहे होगे कि आप सोलो बस स्क्वाड में ज़्यादा किल कैसे लाए, तो आपको बस क्या करना है, एक फेमस टाउन, जैसे बहुत सारे फेमस टाउन होते हैं, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा जो फेमस टाउन मैंने सब मार की है वही सब है फेमस। और इन टाउन में बहुत अच्छी लूट भी मिलती है और इन टाउन में मैं अक्सर जाता हूँ अपनी लूट लेने के लिए, तो मुझे खासी लूट मिल जाती है, जैसे कि ATX M416 जो मेरी फेवरेट गन है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि M416 और स्कारली में से कौन सी अच्छी गन है, तो मेरे सजेशन में M416 सबसे अच्छी गन है, क्योंकि अगर आप आर्मरी में देखेंगे तो M416 का ही सब कुछ ज़्यादा है, स्कारली का कम है। M416 सबसे अच्छी है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैंने दूर कर दिया है अभी। अभी मैंने आपको सब टाउन बता चुका हूँ जो फेमस है, टोटली 6 टाउन्स है। अगर आप कोई दूसरे टाउन में जाते हो कि इसमें ज़्यादा अच्छी लूट मिलेगी, तो आपकी मर्जी, वो आपकी गेम है, आप जो चाहे कर सकते हो। आप चाहे तो मेरी टिप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ टिप्स। अभी आपको दूसरी टिप जो मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको बस एक, आपको ये तो पता ही होगा जब जब जीता जीता सर्कल बनता है उधर एक या दो एयरड्रॉप तो आते ही आते हैं। आपको बस करना क्या है कि जब भी आप एयरड्रॉप के पास जाओ तो आपको अपनी गाड़ी लेके नहीं जाना है। जी हाँ, आपको गाड़ी लेके नहीं जाना है, आपको पैदल पैदल जाना है ताकि आपको एनिमी स्पॉट ना कर पाए। और फिर आप अगर आपको लूट चाहिएगी तो आप उसके अंदर लूट लेके आप किसी घर में छुप के जो भी गधा आएगा उस गधे को मार सकते हो आराम से। हेडशॉट लो चाहे जो लो, आपके मन में जो आए उसको लो के लेके जिस तरह से चाहे मार सकते हो, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि आप लूट ले चुके हो, आप उसको देख रहे हो, उसको हेडशॉट बिठने वाला है, वो मरने वाला है। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पीछे से कोई ना आए, तो आपको एक घर उसके आजू बाजू में ही एक घर ढूंढ के रहना है, उसी के अंदर ही रहना है। अगर आप घास में रहोगे तो आप इजीली स्पॉट भी हो सकते हो, इजीली तो नहीं लेकिन स्पॉट हो सकते हो, आपके स्पॉट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप घर में रहोगे तो स्पॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यही यही दो टिप मैं आपको बता सकता हूँ।
अभी आगे की, अभी जो भी मुझे टिप पता चलेगी आगे की, वो मैं आपको बताता रहूँगा। सो मेरी अगली वीडियो भी देखना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मेरे दोस्तों का चैनल भी है, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए बस रुके रहना। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको मिल जाऊँगा। सो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। सो गुड बाय।